हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 9वीं की चार बुकों की बेटा मैं आपको पहले ही बताया था, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। तो अपन भाग चार पढ़ रहे हैं बेटा अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत आपने अभी पालमपुर की कहानी पढ़ी थी, उसकी आपको PDF बनाया था बेटा, मैंने आपको दिया है, उसके प्रश्नोत्तर भी अपन ने हल की। अब अपन पढ़ेंगे बेटा संसाधन के रूप में लोग। आपने इसका भी पाठ, इसकी भी आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया है बेटा। अब इससे क्वेश्चन आंसर देखोगे बेटा और कॉपी में लिखोगे। संसाधन के रूप में लोग, तो इसका अभिप्राय है वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमता के संदर्भ में। मतलब जो संसाधन के रूप में जो लोग से अभिप्राय है, वर्तमान में उत्पादन कौशल और क्षमता के संदर्भ में किसी देश के कारण लोगों के वर्णन करने की एक विधि है। दूसरे उत्पादन साधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। संसाधन का एक ऐसा सूत्र जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। भूमि, पूंजी और लोग किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। मतलब सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं, तो भूमि, पूंजी और लोग देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। भूमि और पूंजी है, अगर व्यक्ति नहीं है क्या काम होंगे, है ना, तो ये किसी काम के नहीं। इसलिए भूमि, पूंजी और लोग किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इनके द्वारा ही देश की अपनी प्रगति कर देश अपनी प्रगति कर सकता है। संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब किसी भी देश के लिए संसाधन सबसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों या जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग मानव के द्वारा ही संसाधन मनुष्य की उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे काफ़ी समय से अफ्रीका के विभिन्न खनिज मूल्यों को दबे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इनका लाभ उठाना नहीं जानते। मतलब जो अफ्रीका है वहाँ पर जो खनिज है, भूमि है, वह कैसी हुई, अंदर दबी हुई है, तो वहाँ के लोग इनका लाभ उठाना नहीं जानते, इसलिए खनिज संसाधन नहीं बन सकती। भूमि और पूंजी तभी संसाधन बन सकते हैं जब लोग अपने प्रयोग में लाना शुरू करें। कुछ लोग जनसंख्या को अपहार के स्थान पर बोझ ही मान लेते हैं। उनकी जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में खर्च किया जाए, वे अधिक लोग उपयोगी और सुनिश्चित बनाकर देश के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद है बेटा संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग, आपकी जो NCERT की बुक है बेटा उसके आधार पर ये प्रश्न उत्तर हैं, आपको लिखने हैं कॉपी में और याद करने। संसाधन के रूप में किसी भी देश के कारणों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यता पर वर्णन करने का एक तरीका है। लोगों को सकल घरेलू उत्पादन सर्जन योगदान करने की योग्यता पर बल देते हैं। संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन से मानव संसाधन कहते हैं। फिर मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों में कैसे भिन्न है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है। मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या क्या है, एक दायित्व है, परिसंपत्ति, किंतु यह सच नहीं है। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है शिक्षा, प्रशिक्षण व चिकित्सा सुविधा के द्वारा निवेश करके, जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए बहुमूल्य संसाधन है राष्ट्रीय संपत्ति के मात्र अपुतर। राष्ट्रीय संपत्ति के उत्पादन भी वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे भूमि, पूंजी की अपेक्षाकृत, क्योंकि वे भूमि एवं पूंजी का प्रयोग करते हैं और भूमि एवं पूंजी उपयोगी नहीं हो सकते। तो ये है मानव संसाधन और भौतिक पूंजी संसाधन में भिन्नता। उसके बाद है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या
मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण में मानव संसाधन विकास में शिक्षा क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के बारे में बेटा आप सभी जानते हो, है ना। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय पर निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। किसी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय व समाज में बेहतर योगदान के लिए उच्च प्रतिफल दे सकता है। तो जो मानव पूंजी के निर्माण है, शिक्षा की यही भूमिका है। शिक्षित लोग अपने बच्चों को शिक्षा पर निवेश करते पाए हैं। इसका कारण है कि शिक्षा का महत्व जान लिया है, उन्होंने शिक्षा का महत्व जान लिया है। ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों की आवश्यकता अवसरों की बेहतर उपयोग करने की सहायता करता है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है, उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक करता है। अगर आपने अच्छा कोई भी चीज़ का अच्छा प्रशिक्षण लिया है तो किसी भी कार्य को योगदान करने के लिए आपको उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने और उत्पादन में वृद्धि करने में भी एक सहायता होती है। उत्पादन देश के विकास के लिए क्या है, योगदान देता है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? जैसे मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा, उसी प्रकार मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम को न्याय से कर सकता है। किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो अपने कार्य में, संगठन में, देश के दायित्व में ऐसे व्यक्ति को काम नहीं रखेगा जो जिसका स्वास्थ्य क्या हो, खराब हो। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन और देश के दायित्व, कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जिसका स्वास्थ्य क्या हो, खराब हो, और वह स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूरी दक्षता से काम ना कर सके। तीसरा है, स्वास्थ्य ना केवल किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाता है बल्कि मानव संसाधन विकास वर्धन देश के कई क्षेत्रों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर चौथा है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने के लिए क्या करता है, योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वह अपनी क्षमता, कार्य क्षमता को अच्छे से कार्य करे, और अगर कोई बीमार व्यक्ति होगा तो वह बीमारी से, किसी से बीमारी से लड़ रहा होगा तो उसको काम करने में क्या होगी, असमर्थता होगी। फिर है पांचवा, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। मतलब अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ है, है ना। स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहने मात्र नहीं, स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता भी शामिल है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण, खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत सी क्रियाएं शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसकी जो क्रिया, मतलब काम करने की क्षमता है, वह कैसी होगी, कम होगी। चिकित्सा सुविधा के अभाव से यह स्पष्ट, मजदूर अपनी उत्पादकता और अपने देश की उत्पादकता को कम कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किस तरह से विभिन्न क्रियाएं संचालित होती हैं। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र, तो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं कैसे संचालित हों। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन आदि आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। कौन क्या क्या आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाएं?
क्षेत्र में कृषि पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और खनन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण भी शामिल होते हैं। फिर तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, बीमा, पर्यटन एवं स्वास्थ्य आदि क्या होते हैं, सम्मिलित हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य सम्मिलित होते हैं। तो ये आर्थिक क्रियाएं हो गई प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद है बेटा बच्चों, ये आपके संसाधन के रूप में लोग, इसके कोई प्रश्न उत्तर है बेटा। ये प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखोगे, याद करोगे। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा, तो पालमपुर की कहानी और आर्थिक ये संसाधन के रूप में लोग, इनके प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखोगे। इन्हीं प्रश्न उत्तरों के आधार पर आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।